सोमवार को कांग्रेस नेतृत्व को लेकर हुए विवाद के बीच खबर ये है कि फिलहाल सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में नेतृत्व बदलाव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है और फिलहाल इस पद पर सोनिया गांधी ही रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन 23 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को खत लिखा था, उन्होंने अब कार्य समिति की बैठक में कहा कि उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। संगठन की बेहतरी के लिए कुछ चिंताएं थी, पत्र उन्हें ही जाहिर करने के लिए लिखा गया था। हालांकि इससे ठीक पहले सोमवार को ही कांग्रेस कार्य समिति की वर्चुअल बैठक के शुरू होते ही राहुल गांधी ने पार्टी में नेतृत्व को लेकर 23 नेताओं की सोनिया गांधी को भेजी गई चिट्ठी को भाजपा के साथ मिलीभगत करार दिया, तो बैठक से लेकर ट्विटर तक बवाल खड़ा हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बयान का विरोध जताते हुए इस्तीफा देने तक की बात कही। हालांकि बाद में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके थोड़ी ही देर बाद सिब्बल और आजाद दोनों के ही सुर बदल गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।